उपेंद्र कुशवाहा के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक और बड़ा झटका लगा। जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह और उनके पुत्र विशाल सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मीना सिंह बीजेपी में शामिल हुए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया की मौजूदगी में जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह और विशाल सिंह ने बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद पूर्व सांसद मीना सिंह ने कहा कि आते आते देर तो हुई है, लेकिन हमने किसी को धोखा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लगता है कि पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अब आपको अफसोस होगा। मीना सिंह ने कहा कि जहां मान सम्मान न मिले वहां दोबारा कभी जाना नहीं चाहिए। जो लोग, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, आज भी उनका हम सम्मान करते हैं, आज भी उनको आदर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा दो साल से हो गया था कि पार्टी में जाने पर कुछ प्रतिक्रिया अच्छी नहीं दिखती थी, तो हम पार्टी में जाना ही बंद कर दिए थे। अरे यहाँ जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने बिहार में एनडीए का राज देखा है। 2005 से लेकर 2015 तक जो राज रहा वो विकास का राज रहा। मेरे पिता 2004 में सांसद हो गए थे, उनके चुनाव में मैं मात्र 6 दिन के लिए उनके चुनाव में आया था। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। उस साल मैंने पहला मतदान किया था। मीना जी, विशाल जी, आप जिस पार्टी में आए हैं वही पार्टी ऐसी है जो गरीबों का शौचालय भी बनाती है, गरीबों का घर भी बनाती है। यहाँ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि से पैसा भी जाता है, जो गरीबों का खाता जनधन भी जो पार्टी खुलवाती है, और वह पार्टी जो पूरी सिंचाई की व्यवस्था करती है, जो पार्टी नौजवानों की चिंता करती है, महिलाओं की सम्मान की चिंता करती है, उसकी सशक्तिकरण की चिंता करती है, जो देश की सीमा की भी सुरक्षा करती है, देश की शांति आंतरिक व्यवस्था की भी चिंता करती है, और यही पार्टी है जो राम की भी चिंता करती है, घनश्याम की भी चिंता करती है।